नमस्कार, प्रोग्राम तारे आखते ने वेख रहे साढ़े सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सो कल असी योगा के बारे गल किया। आज का टाइम हिंदुस्तान साढ़े लोग थोड़ा थोड़ा जगना शुरू हो गए, हालांकि विदेशों के पूरे वर्ल्ड के योग का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हैगा। सो योग एक ऐसी चीज़ है जिदे नाल साढ़े मसल्स जड़े है उन्होंने मजबूती मिलती है। एक दुबला पतला व्यक्ति भी जड़ा है ताकतवर ते बलवान बन जाता है। दूसरी तरफ योग दे अभ्यास दे नाल लगातार शरीर दे विचों फैट्स कट होंदी है। एक बहुत मोटा बंदा भी जड़ा है प्रोपर हो जाता है योगा करन दे नाल। सो योग आसन दे नाल इहदे रेगुलर अभ्यास दे नाल साढ़े मसल्स का चंगा व्यायाम होंदा है, एक्सरसाइज होंदी है, जिहदे नाल तनाव दूर होकर अच्छी नींद आती है, भुख अच्छी लगती है, फिर पाचन शक्ति सही रहती है। प्राणायाम के की लाभ ने उन्हें इस गल कर करते हैं। योग के अंग जड़े ने प्राणायाम तो ध्यान भी जड़ा है योगासन की तरह ही शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सो प्राणायाम के द्वारा जड़ा है सह की प्रक्रिया जड़ी है वो गति के उत्ते साडा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल होंदा है, जिदे नाल सह संबंधी रोगों के बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। दमा, एलर्जी, साइनोसाइट्स, पुराना नज़ला, जुकाम आदि रोगों के प्राणायाम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नाल ही नाल इहदे नाल फेफड़ियां दे विच ऑक्सीजन ग्रहण करन दी क्षमता यानी कैपैसिटी बढ़ जाती है। साढ़े शरीर दीआं जिहड़ियां कोशिकावां यानी कि जिहड़ियां नाड़ियां हैगियां उन्हूं ज़्यादा तो ज़्यादा जो ऑक्सीजन मिलती है तो पूरा शरीर पॉजिटिविटी दे नाल उहदे च असर आ जाता है। ध्यान दे की लाभ ने, ध्यान यानी मैडीटेशन जदों असीं करते हैं ध्यान भी जिहड़ा है मैडीटेशन जिहड़ी है योगा का महत्वपूर्ण पार्ट हैगा। अजकल ध्यान यानी मैडिटेशन का प्रचार साढ़े देश तो ज़्यादा विदेशों के हो रहा, हालांकि इंडिया ने ही सारे वर्ल्ड में ध्यान सिखाया। अज की जी भौतिकतावादी संस्कृति के दिन रात की भज दौड़, काम का प्रैशर, रिश्तों का अविश्वास, जिस कारण टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसी स्थिति के मैडिटेशन तो वधिया कुछ भी नहीं है। मैडिटेशन के नाल तुसीं जिहड़ा है ध्यान अवस्था के नाल शारीरिक ते मानसिक तनाव दूर करके आत्मिक शांति महसूस करते हो, कम की शक्ति वधदी है, अच्छी नींद आती है, मन कंसनट्रेट करता है ते नाल नाल इंसान की धारण शक्ति वधदी है। इहदे योगा के नाल ब्लड शुगर का लैवल घटता है ते LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रोल जिहड़े है उन्होंने भी एक कट करता है। डायबिटिक्स के जो रोगी है उन्होंने योग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सो इसलिए तुम ये वादा जरूर करो कि योग कम से कम रोज़ 20 मिनट जरूर करोगे। कुछ होर रिसर्चेस के पता लग गया कि कुछ योग आसन के मैडिटेशन के द्वारा आर्थराइटस बैक पेन के दर्द के भी बड़ा सुधार होंदा है ते दवा दीयां जरूरतां घट होंदियां जा रही हैं। योग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वधांदा है ते दवाइयां दे उत्ते थोड़ी डिपेंडेंस नूं घटांदा है। बहुत सारिया स्टडीज़ दे विच साबित हो चुका है कि अस्थमा, हाई ब्लड प्रैशर, टाइप 2 डायबिटीज़ दे मरीज भी जड़े ने योग दे द्वारा स्वस्थ हो चुके हैं। संक्षेप च ये कहिए कि योग साढ़े शारीरिक व्यायाम या फिर रोगों को दूर करने वाली क्रिया ही नहीं है बल्कि साढ़े जीवन में बहुत वधिया बनाने वाली जीवन पद्धति हैगी है। आओ चलिए अज तो असी कसम खाइए कि असी योग नूं जरूर अपनावांगे ते जे तुहानूं साडियां गल्लां अच्छियां लगियां तां इहनूं अपने दोस्तां दे नाल जरूर शेयर करियो। सारी डिटेल्स तुसी साडे अखबार वॉइस ऑफ एशियंस दे विच वी पढ़ सकदे हो। साडे TV प्रोग्राम दा लिंक हासिल करन दे लई ते साडे राइटअप्स हासिल करन लई साडे वट्सएप नंबर 9876202533 ते सानूं ऐड करके तुसी अपना नाम, कंट्री नेम एंड तुसी जिहड़ा हैगा शहर का नाम सानू जरूर भेज सकते हो। इस तो अलावा तुसी YouTube ते साढ़े 980 तो ज़्यादा एपीसोड्स जद मर्जी देख सकते हो। तो नाल ही नाल प्यारे दर्शकों असी दसना चाहवांगे कि Facebook ते साडा पेज एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर लुधियाना इंडिया उन्हों लाइक करके भी तुसी उत्थे पे जानकारी का बहुत वधिया लाभ उठा सकते हो। हुण अज दा राशिफल मेष राशि वाले जातक है। नौकरी दे विच तरक्की हो सकती है, बेरोजगारां नूं नौकरी मिल सकती है। वरिष्ठ राशि वाले नवा वहीकल अज लैण दे चांसिस बनते हैं। मिथुन राशि वाले अज सफर के दौरान जेब कट्टी जा सकती है या समान चोरी हो सकता है। कर्क राशि वाले अज कोई चोर नूं फड़न दे विच तुहाडी मदद बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होएगी। सिंह राशि वाले जिन्हें भी राइटर्स ने अज का दिन बहुत वधिया निकलेगा, मानसिक टेंशन तो दूर होवोंगे। कन्या राशि वाले जातक जिहड़े ने अज बच्चों मन चाहे स्टडी कोर्सिस दे विच विदेश दे विच दाखला मिल सकता है। तुला राशि वाले मान सन्मान अज मिल सकता, जबकि वरिश्चिक राशि वाले ने झूठी गवाही देनी अपमान का कारक बन सकती है। तनु राशि वाले अज का दिन जोड़ा है कोर्ट कचहरी के जित बुलंद हो सकती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए
ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੀਓ, ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਓ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਾਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਾਤਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਤਨ ਅਤੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸਤੂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ, 30G ਸਰਾਵਾ ਨਗਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9872620533 ਅਤੇ 9417020533। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੁੱਕੇ ਜਾਓ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਕਦੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੀਓ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਓ ਅਤੇ 10 ਵੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ 4 ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਨਮਸਕਾਰ।